हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बार फोन यहाँ पे ऑर्डर किया है एकदम कम प्राइस में। अगर आप भी एक बार फोन को ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन मैंने परचेस किया है सैमसंग का काफ़ी कम प्राइस में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यानी डिलीवरी के टाइम वो ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट करके। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग हुई है, लेकिन हम इसकी एक बार और यहाँ पर अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देख सकते हैं डब्बे में हमको कुछ इस तरीके का छोटा सा, यहाँ पे इसका साइज देख सकते हैं कि कितना साइज है, 4-5 इंच इसकी लंबाई है यहाँ पे देख सकते हैं, और 3 इंच करीब चौड़ाई होगी, और काफ़ी छोटा सा इसका बॉक्स है। तो देखते हैं फ़ोन कैसा है। यहाँ पे देखते हैं 24 मंथ वारंटी भी लिखी है फॉर अफ्रीका। शायद ये अफ्रीका के लिए बने हुए फ़ोन होंगे, तभी इस पर कॉस्ट कटिंग के कारण कई चीज़ें इसमें क्वालिटी बेस पे कह सकते हैं, या इसके अंदर क्या क्या आया है वो भी हम सब देखेंगे। और उसके बाद इसके अंदर निकलता है ये सिर्फ एक ये। तो इसलिए हमारा बिल है, इसको हम देखेंगे कितने का पड़ा। तो वीडियो में बने रहें, चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह का इसका बॉक्स है। अगर मॉडल नंबर की बात करें तो सैमसंग SM B3100E कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है। डॉस यानि ड्यूल सिम यहाँ पर देखने को मिलती है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर LCD 51 mm यानी 2 इंच QQVGA TFT डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। म्यूजिक प्लेयर है, माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिल रहा है, FM देखने को मिल रहा है, और टॉर्च देखने को मिल रही है। यहाँ पे ड्यूल सिम का भी ऑप्शन है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं डू नॉट एक्सेप्ट ब्रेक सील कुछ इस तरीके से जो आप देते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही इसको ओपन किया हुआ है, तो खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा एक फोन यूनिट, वाइट कलर का मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है, क्योंकि कलर बेस पे इसके प्राइस जो है 200-300 रुपये एक्स्ट्रा हो जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे वाइट ही कलर को यहाँ पे परचेस किया हुआ है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइम पे ये आया करते थे, एक ज़माना था जब हमको फ़ोन के साथ हेडफोन भी देखने को मिलते थे। तो ये देख सकते हैं सैमसंग का जो छोटा सा डिब्बे में आ रखा है फ़ोन, उसके साथ भी हमें यहाँ पे हेडफोन देखने को मिल रहे हैं। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। उसके साथ में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमें एक एडाप्टर भी साथ में ही देखने को मिल रहा है, इन द बॉक्स एडाप्टर सैमसंग के तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं एडाप्टर काफ़ी हल्का ये मुझे लग रहा है, और जो पहले की सैमसंग की एडाप्टर की क्वालिटी थी उससे मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये अफ्रीकन देशों के लिए शायद बना हो, और उसके बाद यहाँ पे भी सेल हो रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है। हमारे पास एक बैटरी मिल रही है, और अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 800 mAh की यहाँ पे बैटरी है, देख सकते हैं। और उसके बाद भी हम देखते हैं इसमें क्या है, बाकी ये बॉक्स खाली है। अगर हम अब देखते हैं इसमें क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग द बैटरी, कुछ इसका मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ है, और काफ़ी बड़ा है ये। एक भैया ये पूरा का पूरा चिट्ठा है इसका फ़ोन का, यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा हमको पेपर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, तो यहाँ पर रख देता हूँ। तो हमें फ़ोन के साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये सब देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये रहा इसका बॉक्स। तो ये सब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इतना। तो हम एक एक करके इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको निकालेंगे, और दोस्तों अगर चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब आप भी कोई बार फोन लेना चाहते हैं लोएस्ट प्राइस में तो इसके तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं
यहाँ पर मुझे स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं, ये अगर आप देख सकते हैं तो डिस्प्ले में, बैक साइड में भी पन्नी लगी हुई है। डेट और टाइम यहाँ पे मांग रहा है तो मैं इसको बाद में सेट कर लूँगा, तो यहाँ पे देते 00 कुछ इस तरीके का, यहाँ पे इसको इसका इंटरफेस देखने को मिल रहा है। और बाकी एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे इसके इस वाले उसमें कुछ स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, और इसमें शायद पन्नी भी चढ़ी हुई है यहाँ पर, ये मुझे दिख गई पन्नी में स्क्रैचेस है, यानी जो इसका शीशा है वो हमारा सेफ है। देख सकते हैं कितने स्क्रैचेस दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक लेमिनेशन हो रखी है पन्नी, उसमें स्क्रैचेज है। तो यहाँ पे देखते हैं चार्जिंग जैक है ऊपर साइड, आपको यहाँ पे एलईडी टॉर्च देखने को मिलती है, और हेडफोन भी देखने को मिलता है जैक। बाकी यहाँ से हम खोल सकते हैं पीछे का बैक कवर, यहाँ पे हमें माइक देखने को मिलता है, ये है। और इसका मैं अगर फ्लैश जलाऊँ तो यहाँ पर इस वाले से साइड यहाँ पर फ्लैश जलेगा, लॉन्ग प्रेस करके डिस्प्ले अनलॉक हो रही है, तो ये भी नहीं है। ये देख सकते हैं हमारी एलईडी लाइट इसकी ग्लो हो गई है, इस वाले से हम एलईडी लाइट को ग्लो करेंगे। बैटरी देख सकते हैं फुल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दो आपको सिम कार्ड के स्लॉट दिए हैं फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट दिया हुआ है देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इसकी IME नंबर जो होते हैं वो दिए हुए हैं ये, तो यहाँ पे देखते काफ़ी अच्छा है छोटा सा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 1100 रुपये के करीब, यानी इसमें 40 रुपीज़ मेरा डिलीवरी चार्ज भी जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे 1150-1150 रुपये के मुझे ये देखने को मिला है। तो मैं जो इसका बिल है, बिल में भी आपको दिखाता हूँ अगर क्लियर ही, क्योंकि इसमें प्रिंट मेरा सही से नहीं हुआ है, 1099 रुपये ये रहे, और यहाँ पे 48 रुपये शिपिंग चार्ज लिया है, देख सकते हैं शिपिंग हैंडलिंग चार्ज, तो 48 रुपये ले रखे हैं, तो टोटल आपके हो जाएंगे 1147 रुपये। तो 1147 रुपये में ये मुझे देखने को मिला है ऑनलाइन। और बाकी अगर आप इससे भी लोएस्ट प्राइस में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो हमारे अदर कंपनी के होते हैं 600-800 रुपये तक के भी देखने को मिल जाते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, बाकी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर आपके कोई काम का होता है तो उसको बाय कर सकते हैं। बाकी हेडफोन की क्वालिटी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर इसकी क्वालिटी निकल के आती है, तो देख सकते हैं ये रहा हमारा प्यारा सा हेडफोन। ये काफी लंबी सी इसमें आती है देख सकते हैं, ये सैमसंग की यहाँ पे हेडफोन है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर मैं चार्जर की भी बात करूं यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे चार्जर की क्वालिटी यहाँ पे सही नहीं लग रही है, क्योंकि इसकी जो लीड है वो भी सही नहीं लग रही है, जो ये बना हुआ है इसका भी जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो पहले के टाइप साइज के टाइम के चार्जर आते थे, और यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर आप गौर से तो इसकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ा अनफिनिश मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो इसकी जो फिनिशिंग है वो मुझे कुछ खास नहीं लग रही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा आउटपुट जो दे रहा है, आउटपुट में दोस्तों इनने लिखा है 50 वोल्ट, ये पॉइंट लगा रखा नहीं लगा रखा शायद, 50 वोल्ट 0.7 एम्पियर्स।
तो यहाँ पे ये 5 को 50 बना दिया है शायद। यहाँ पे 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर होना था, तो यहाँ पे 50 दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो चलो कोई नहीं, ठीक ठाक है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, काफ़ी हल्का भी महसूस हो रहा है, तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी ये सब बाय करना चाहते हैं एक बार फ़ोन कम प्राइस में, तो मैं लिंक बाकी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।